श्री कृष्णा। हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज कीर्ति एंड दिस इज अनदर वीडियो फ्रॉम माय नोएडा डायरीज, जिसमें मैं आज आप लोगों को लेकर आई हूँ नोएडा के इस्कॉन टेंपल का दर्शन करवाने। वैसे अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर होंगे तो आपको पता ही होगा दैट रिसेंटली आई हैव बीन टू दिल्ली, और इस बार दिल्ली का मेरा एक खास मकसद भी था। मैंने सोचा था कि दिल्ली में जो भी जगह मेरे लिए खास है, लाइक दिल्ली एनसीआर में जिन भी जगहों से मेरी खास यादें जुड़ी हैं, मैं उन जगह को कवर करके अपने चैनल पे उसका वीडियो पोस्ट करूंगी। और ऐसी ही एक जगह है नोएडा का इस्कॉन टेंपल। तो चलिए आपको दर्शन करवाते हैं नोएडा के इस्कॉन टेंपल का। वैसे तो रिसेंटली मैंने दिल्ली के इस्कॉन टेंपल की भी वीडियो पोस्ट करी है अपने चैनल पे। इन केस यू वांटेड टू चेक दैट आउट, आई विल प्लेस द लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन, तो आप वो वीडियो भी चेकआउट कर सकते हो, क्योंकि दिल्ली के इस्कॉन टेंपल से भी मेरी बहुत सारी यादें जुड़ी हैं, तो मैंने वो भी कवर करा था इस ट्रिप में। आई होप कि आपको वो वीडियो भी बहुत पसंद आएगी, तो वो वीडियो भी चेकआउट ज़रूर करिएगा। तो जैसा कि आप देख सकते हो, हम पहुंच चुके हैं नोएडा के इस्कॉन टेंपल में। और जब मैं पहुंची थी तब मंदिर का पट बंद था, मतलब पर्दा लगा हुआ था, तो दर्शन होने में कुछ वक्त था। तो वैसे तो यहाँ पे हर वक्त आपको एक अलग ही माहौल मिलता है, कीर्तन चलता होता है, लोग बैठे होते हैं, कृष्ण भक्ति में डूबे होते हैं। तो मैं भी वहाँ पे इंतज़ार करने लगी अपने कान्हा जी के एक झलक का। और सच बताऊँ तो जब आप यहाँ के कीर्तन में इन्वॉल्व हो जाते हो तो आपको वक्त का पता ही नहीं चलता, तो मेरे साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ था। तो मैंने यहाँ पर इंतज़ार किया अपने कान्हा जी की एक झलक का। और जो कि ये दिन का टाइम था, ये दर्शन के बाद मंदिर बंद हो जाती, इस वजह से मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए मंदिर भी थोड़ा सा कवर कर लेते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि मंदिर का आर्किटेक्चर बहुत ही अच्छा है, और यहाँ की दीवारों पे आपको कान्हा जी की लीलाएं दिखाई देंगी। कान्हा जी की अलग अलग लीलाओं का दर्शन आप यहाँ की दीवारों पर कर सकते हो। सभी माताओं Oh,
राधा कृष्ण के तो बहुत ही अद्भुत दर्शन हो गए, उनकी आरती में सम्मिलित होने का भी हमें मौका मिला। तो दर्शन करने के बाद, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मंदिर बंद हो जाएगी, मंदिर के बंद होने का टाइम हो गया था, तो मंदिर बंद हो चुकी थी तो हम भी बाहर निकले। और मैंने आपको पिछले वीडियो में भी, मतलब दिल्ली वाले इस्कॉन टेम्पल के वीडियो में भी ये बात बताई थी कि जब भी आप इस्कॉन का प्लान करिएगा, आप टाइमिंग का विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे कई बार पर्दे लगाए जाते हैं, तो आप टाइमिंग का विशेष ध्यान रखिएगा, तभी आपका दर्शन अच्छे से हो पाएगा। सो दर्शन करने के बाद हमने यहाँ का प्रसाद लिया, जो कि बहुत ही खास होता है, तो अगर आपको भी मौका मिले तो आप इस्कॉन का प्रसाद ज़रूर खाइएगा। अभी मैं हूँ नोएडा के इस्कॉन टेम्पल में, और दर्शन तो बहुत ही अच्छा हुआ। मैंने आरती भी अटेंड की, दोपहर की यहाँ पे आरती होती है 12:30 बजे, मैंने वो भी अटेंड की, तो काफ़ी लंबा वक्त गुजारा यहाँ। बहुत टाइम बाद इतना वक्त यहाँ पे बिता के बहुत शांति मिली, मन को बहुत सुकून मिला। बाहर बहुत ज़्यादा धूप है, लेकिन मैंने सोचा कि आप लोगों को भी दर्शन कराना चाहिए, क्योंकि मैं पिछली बार भी, वैसे तो मैंने वीडियो बनाया था, बट कहीं ना कहीं हम लोग को आने में थोड़ी लेट हो गई थी, जिसकी वजह से सिर्फ हम आरती ही अटेंड कर पाए थे, वीडियो ज़्यादा नहीं बना पाए थे। तो इस बार मेरा टारगेट था कि मैं आप लोगों को भी यहाँ का दर्शन कराऊँ, क्योंकि मेरी इस मंदिर से बहुत ज़्यादा लगाव है, और मैं यहाँ पे जब भी नोएडा आती हूँ, मैं यहाँ का दर्शन करना की पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं यहाँ का दर्शन ज़रूर से ज़रूर करूँ। तो मैंने सोचा आप लोगों को भी राधा कृष्ण जी का आशीर्वाद दिलवा दूँ। तो चलिए आपको आगे दिखाते हैं। That's it for this video, and ये था नोएडा का इस्कॉन टेम्पल। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, दर्शन करके आपका भी मन तृप्त हो गया होगा। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट में हरे कृष्णा ज़रूर लिखिएगा। एंड अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, एंड बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करना, सो दैट आपको फ्यूचर की भी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक, लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए हर हर महादेव, हरे कृष्ण।